यो 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 के सांग है मैडम जी पहले तो दर्शक चल रहा है जी वीडियो चल रहा है तू एकदम तो दावा बोलना न्यू अटैक देना या भी गणेश अच्छी बात ना लगी मैंने मेरे ख्याल में बैठ जाओ तो बढ़िया रहेंगे यार मेरे ख्याल में वीडियो वाड़ी बंद हो जाए तो गाना हां वीडियो बनाओ जी मन दियो सांग पूरा दिखाना एक बार आइए भाई ज्यादा बड़ी बात तक कंते को ना लेकिन एक दो दिन का टाइम दो हमने आपके सामने हम सबूतों के साथ सारी की सारी बातें रख देंगे उसके बाद आप हमने न्यू बताइए जो ये कमेंट करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन है और जैसे की एक स्पेशल नाम मेरे याद है आज वाली वीडियो पर कॉमेंट आ रहा है नीतू कोई नीतू जी हैं उनका कमेंट आ रहा है कि ताजा ताजा मेरे ख्याल में रिपोर्टिंग करने लगी है कुछ इस तरह का राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भाई ने कहा था कि देखो यो मैटर बहुत दिक्कत सी हो रही है इसमें कई डाल के फैक्ट्स आग आए हैं कई डाल के इंसान आग आने लग रहे हैं लेकिन समस्या मेरी गिला और बनेगी अगर आज हमने सरपंच से मिल गया और पंचायत का टाइम लेना बहुत जरूरी था और नून तो मैडम का स्विच ऑफ फोन मैडम का फोन नहीं मिल रहा फिर हमने छोरे तरफ फोन कराया फिर लगा कि मैडम आज आड़ा आ रही है ये भाड़ा क्या गणा रही है पहले मैडम ने पकड़ लिया फिर पंचायत के बारे में उससे जो दीपी काला मामला है उसमें चलेंगे और पंचायत का टाइम लेंगे क्योंकि ये मैटर सुलझाना बहुत जरूरी है ये भाड़ा सौ रुपये होता रहा पित्र हो के रहा है क्या नहीं हो रहा सब गजाब तो नहीं दिखाओगे आज पहाड़ पकड़ेंगे पहाड़ पकड़ेंगे आज हो के रहा है देखो आगे देखो आपका फोन नहीं मिल रहा आपके लड़के उधर फोन कराया जब उसने बताया अंकल उड़े हैं मम्मी ये न्यू बताओ मैं मतलब क्या करूँ जाना जरूरी था खानी जाना जरूरी था फिर वहां से टाइम तो सेट ना हो लिया था ना कै बजे जाना है कै बजे ना जाना है आपका भी फोन बंद आ रहा है सुबह तो मैंने बोला नहीं मिला एक बात और भी है ना जी आपने भी बेरहम आई थे असली लेन तो यही है अरे न्यू एकदम तो दावा बोलना न्यू अटैक देना या भी गणेश अच्छी बात ना लगी मैंने मेरे ख्याल में बैठ जाओ तो बढ़िया रहेंगे यार मेरे ख्याल में वीडियो वाड़ी बंद हो जाए तो गाना हां वीडियो बनाओ जी मन दियो सांग पूरा दिखाना एक बार आइए भाई भीतर आ जाए ये जानू मैं विनोद झगड़ा जी क्या हाल है जी विनोद जी राम राम जी राम राम भाई घने दिन मिले विनोद एक बार मिले थे हम पहले विनोद से बात कर लेंगे भाई अपने पुराने मित्र हैं और विनोद बढ़िया फिर यू क्या करवा रहे हो ये रियाज चल रहा है जी आपका रियाज चल रहा है मेरे रियाज मतलब पूनम है बबली है मैं हूँ एक दो बालक और से सारे रियाज करवाओ हाँ आप तो रियाज करवाओ हो मेरे रियाज बताए डांगर हंड गए रियाज पर डांगर के ऊपर हंड गए ड्यूटी का टाइम फाइलिंग इतने ड्यूटी का टाइम हमारा ड्यूटी का टाइम मीडिया लगा सारी लगा क्या रखो बुलावा आज हमने मिलना जरूरी था हमारा जरूरी है एक बार अपना परिचय जागरण करते है सारे रागनिया प्रोग्राम हो बालाजी का माता रानी का श्याम बाबा का कोई भी प्रोग्राम हो मंडली है हमारी जांगड़ा हेड पार्टी की अच्छा, पूरी पार्टी बना रही पूरी पार्टी बना रखी है भाई साहब ये अपने मित्र विनोद जांगड़ा और इनकी अपनी पार्टी भी है और चलो आज मुद्दे भी पहाड़ पे बिठाएंगे गलत नहीं करेगा सही ठहगी ये अपना जागरण करना आपने नंबर भी दिखता होगा अभी अपना म्यूजिकल ग्रुप भी है और साथ में कौन कौन है जी आपके साथ में म्यूजिकल ग्रुप तो है अपना आशीष वर्मा और कलाकार कलाकार हम बबली वर्मा है बबली वर्मा ना मैं देवजान हूं जी मैंने इनकी वीडियो गेरी थी मुझे असली चेहरा आ गया सामने गेरी थी मैडम जी हां अपने गेरी थी जी फिर यो सिस्टम जो आपने एकदम ते वीडियो बनाने वाला है ना यो आपने दे मेरा मैडम जी आप सरेना गेल जाओ हम जिस भी करना पड़ा पहले कैमरा चालू करा हाथ भीतर इन्होंने मेरा अगला बार लग गया अरे कोई न्यू थोड़ी ना था भैया आपने को रोक देगा या फिर कोई लड़ाई झगड़ा का मैं तो पहली बार आया हूं ना मन्ने तो नहीं मेरा वो भी था मेरी सीन मेरा कौन था अपना वो भी था सीन पे लग गया कुछ भी हो सके हम तो कैमरा ऑन करके बड़ा मैडम मुंह तो बड़ते बात यह है जी सारे दर्शक ने दोबारा तो मेरी राम राम और मौसम आया मैडम सदियों में आ गई थी बोली बोली मैडम सदियों में आ गई थी मौसम आया मैडम और जी अपनी छोटी सी मंडली है जांगड़ा एंड पार्टी और उसमें जैसे कि ये हमारी पूनम हुड्डा जी हैं जो हमारे साथ परमानेंट ये भी हैं मैं हूँ हमारा म्यूजिकल ग्रुप है और ये विनोद भाई साहब हैं विनोद जांगड़ा जी और हम जी कीर्तन यानी कि हम जागरण कराया करा हाँ ये हमारा मतलब इनसे पहले हमारा यो काम है असली लाइन हमारी यह है और दूसरी बात रही मैं मानू हूँ कि भाई वो अपना मुद्दा बहुत जरूरी है जो कि दीप्ति वाला उठा हुआ है और उस पर मैं जान खातर इनका वाला हाँ सॉरी दीपिका वाला और ऐसा था ना मखा भाई वहां से तो कोई मैसेज सा तो आया कोई ना था मखा भाई इतना अपना एक दो घंटे का रियाज जो भी हुआ वो अपना रियाज कर ले हाँ नहीं मैं तो इस बारे आपने ढूंढ लाया दो तीन फोन आए हैं उस मुद्दे पे कई डल की बात आई है जुड़के और भी आदमी से मान लग रहे हैं आज उसका क्या नाम है के दीपिका का दूसरा बटे जो सेकंड बटे वो भी मेरे मिले आज आपने नहीं बेरा शायद ना मैं इस बात का नहीं बेरा है बाकी कोई दिक्कत वाली बात को ना जी आगे पाचा टेम करके सारा इकट्ठे कर लियो और आप चल लेने तैयार है
तो और कौन कौन आपकी पंडित है? आपका नाम क्या जी? जी मेरा नाम पूनम हुड्डा है। तो पूनम हुड्डा जी के गायक हो आप? भजन गाया करे जी। अच्छा भजन गाया करे। ये गाती मैं भी गा दिया रहूं, इन भाई अच्छे को लगते पर अगरा सांग करवा वो खड़ा खोड़िया खड़ा खोड़िया तो कोना करते सांग जरूर करा। हां क्यों आपने पूछ जाए नहीं वो भी के गाया करे तो के गाया करे जब न्यू बता दियो भाई जागरण मंडली है तो ऑटोमेटिकली बात होगी। मैं थोड़ा इस मारे हल्का फुल्का बोल बना रहा हूं एकदम तो सदमा हम आने के सारे सारे गया था जब न्यू एकदम तो आका ने बंदा आवे है तो फिर न्यू सोचण पर मजबूर हो जाए भाई की के बात है वो भी कैमरा चालू करके। तो विनोद जी आप तो बात कर लियो भाई पहले न्यू बता दियो शादी ज्ञान ध्यान की बात दर्शक अगर मेरा पल्ला पड़ जाए कुछ हम मूर्ख से आना। हाँ ये हाथ में कैमरा ये डंडी पकड़े है हाथ में कैमरा पाछा मूर्ख नहीं रहता जी। फिर भी कोई ज्ञान ध्यान की बात हो लिया चाहे पत्रकार हो लिया चाहे नेता हो लिए कोई भी हो फिर कोई ज्ञान ध्यान की बात सारी ज्ञान की है भाई कदी सी जो मेरा पल्ला पड़ जाए भाई मैं और कह दू मैं तो कुछ कह दिया मेरा ध्यान रहेगी ना तो मेरा नंबर बन जाएगा जी। रागनिया प्रोग्राम रागनिया कर लिया जागरण का होता जागरण कर लिया कीर्तन का होता कीर्तना कर लिया। मैंने कई बार देखा मैडम जी क्या करती मेरे तक आज भी मेरा प्रोग्राम आज भी मेरा प्रोग्राम मैंने अपने प्रोग्राम पोस्टपोन करने पड़ जाया करती पर आज मेरा आड़ा आने का मेन उद्देश्य यही होता विनोद जी हमने एक मुद्दे पर उस पर जाना बहुत जरूरी हो रहा था पंचायत की मामले में आपने शायद बेरा नहीं बेरा मैंने नहीं बेरा बात का और जब मान लिया मैंने आगे आप बीच में डिस्टर्ब करे हो तो उसके लिए मैं सॉरी फील करूंगा। तो जी चलो हम ही अगली बात हम बाकी कैमरे ऑफ करेंगे पहले दिवाली साहब भी होंगे ठीक है और अब फिर बात करांगे कैमरा बंद करा। हाँ ये बता अपना परिवार मान लो सारे जानकार मिल गए और ये अपने भाई भाई क्या नाम है? आशीष नाम आशीष सोनी। हाँ आशीष सोनी भाई आशीष सोनी के नाम तो म्यूजिकल ग्रुप भी इनका मतलब ये सारी सारी पार्टियां पड़ी है जी। फिर मन ने भी किधर ढोलक डाला फोड़ा दो मैं बिगड़े टांग बढ़िया बता दिया काम आप यो छोटा काम को नहीं मारा काम ही साजी मारा काम में घाघरी भी पहननी पड़ जाए तो पैर मोस्ट वेलकम आपका। इसको कायम रखने खातर धार्मिक बात माँ बेटी भाई बाण कुकरे सुन लो जागरण वो होना चाहिए कोई रागनिया प्रोग्राम हो छठी का प्रोग्राम हो सब गाना हो एक आधी जगह मैंने जागरण में गया विनोद जी आधी चीज मैंने देखो मैं आज स्पष्ट कहूंगा बुरा ना मानियो प्लीज जागरण में एक आधी जगह मैंने इसी चीज भी देखी है जितने भाई मतलब एक भक्ति भाव ने छोड़कर जैसे चुटकले पुटकले कहने लग जाए कलाकार यार भाई एक अभद्र प्रदर्शन भी हो जाए तो उसमें अपना मतलब बच रहे हैं आप भी हमारा इसमें बहुत दूर हाँ जी हम इस चीज है। चलो जी वो बरसाती मेंढक है चलो बहुत बढ़िया बात कही आपने बरसाती मेंढक है अपने स्वार्थ खातर पैसा कमान खातर मारे डांस दिखाना को और कि मैं अपनी संस्कृति छोड़ और भी कोई ढोंग करा हाँ तो गलत मानना हमेशा हाँ बोले वही बात बोले कब चला इसकी साल बोले अपनी साल भूल गया अपनी साल भूल गया। तो जी हम शिक्षा स्कूलों में पढ़ावा है तो बच्चन है ज्ञान दे हैं हम भी आड़न सोचा भाई एक प्रोग्राम में कोई भी जाए एक भाई भी हमारी बात न पकड़ ली है तो हमारा जागरण ने सफल माना। बहुत बढ़िया बात कही है जी और वाक्य में ये सरस्वती जो सरस्वती का रूप माना गया है वादन है जो यंत्र है क्या बोले बेंजू बेंजू अच्छा ये बेंजू हो गया वो भी दायर है क्या बोले किसी पीसी क्या बोले भी हो है सारा है अपना सिस्टम भी हो है सारा होता है हमारे पास में। चलो जी मैं एक आधी बार नहीं भाई एक बात और है विनोद जंगड़ा जी इस बार प्रोग्राम हो तो मैंने इतला दियो मैं आपका जिम्मेदार मीडिया पर लाइव चलाना चाहूँ अनुमति है? हाँ अनुमति है जी आपकी लाइव चलाऊंगा जी लाइव चलाइयो ये बार भाई आपको बता दें किसे कलाकार हाँ ये हम भी ऐसा हाँ ये मन तो गाल दे जहाँ अपने भी गाल दे पब्लिक है अच्छा करेंगे तो अच्छा बता देंगे यार बूढ़ा करेंगे तो बूढ़ा बता देंगे। चलो भाई कहना इनका प्रोग्राम आपने लाइव दिखाऊंगे और बाकी हम बात करेंगे मैडम जी जो मैं बात करने आया हूँ मेन मुद्दे पे वो जहाँ अपने जागरण वागरण की बात करनी है जो भी करनी है नीचे विनोद जागरा जी का नंबर दिख रहे हैं आपने उन पर कॉल करके आप फोन कर सको हो इब हम घनी लंबी वीडियो कति निकलते हैं जिस मुद्दे के ऊपर चल रहे हैं दीपिका वाला जब तक मैटर सोल्व नहीं होता तब तक मेरा पाया पात्र पड़ रही बहुत मुश्किल है इस बात का आपने बेरा मैडम जी जो मैटर उठा ले कोई नहीं मैं समझू जिस बात है देखो दीपिका का जो मैटर है ना सारे ने बेरा है इस बात का की काफी उलझा हुआ मैटर भी है और दूसरी बात जैसे की अपने मैंने वीडियो पे कॉमेंट देखे है
हैं, कई डाल के कॉमेंट आ रहे हैं। तो सारे बहन भाइयों हम एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहवांगे कि जो ये नेगेटिव इस तरह के आपने कॉमेंट दे रखे, सबसे पहली बात तो ये आपने पूरे मैटर का बेरा नहीं है, मैटर पूरा होने दे। तो हमें ज्यादा बड़ी बात तक देखो ना, लेकिन एक दो दिन का टाइम दो हमना, आपके सामने हम सबूतों के साथ सारी की सारी बातें रख देंगे। उसके बाद आप हमने न्यू बताइए जो ये कमेंट करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, और जैसे कि एक स्पेशल नाम मेरे याद है आज वाली वीडियो पर कॉमेंट आ रहा है नीतू, कोई नीतू जी हैं, उनका कमेंट आ रहा है कि ताजा ताजा मेरे ख्याल में रिपोर्टिंग करने लगी है, कुछ इस तरह का आ रहा है। तो भाई देखो रिपोर्टिंग का तो मैंने बेरा नहीं, मैं किस हमारी सारी वीडियो देखी मैडम उसने। तो दूसरी बात यह है कि जो दीपिका वाला मैटर है जितना भी उलझा हुआ है उतना न्यू लगा लो, तुम्हारी ओर तो तकरीबन सुलझ गया, वो बस आप लोगों के समक्ष रखने की देर है। और दूसरी बात यू कम है कि दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए भाई, उसके माँ बाप की नहीं सुन रहे हम, अगर उसके माँ बाप की नहीं सुन रहे होते तो हम वहां तक पहुंचते नहीं। उस माँ बाप को हम इस तरह से मारा बोलने का जो ढंग आप लोगों ने अजीब सा लगा होगा, उसका भी कोई कोई रीजन रहा है, वो रीजन कह रहे हैं आपने अगली वीडियो में सारी बात का बेरा लग जाएगा, सबूत के साथ बेरा लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मान लो हम वहां पर गए और जितना तभी हमने बात करी उस छोरी के, हमने जो हालात देखे उसके बावजूद स्पेशल उनके माँ बाप तो बात करी थी, उनके माँ बाप का जो रवैया था, उनके माँ बाप का जो हमने आप लोगों के सामने उनकी सारी बातें नहीं रखी। अगर हम उन लोगों का असली चेहरा आप लोगों के समक्ष रख देते ना तो आप मेरे ख्याल में, और वो इस बारे नहीं रखा, मैं बता देता हूँ इस बारे नहीं रखा मैडम जी हमने, अगर मार दो जो सबूत हाथ में आ लिए जो आ लिए हैं। अब सबूतों के साथ आप लोगों के समक्ष दीपिका का सारा मामला रखेंगे। अरे भगवान तो हम दुआ करेंगे कि पूनम की तरह इस दीपिका का भी घर बस जा, हमने लोगों के घर उजाड़न तो मतलब को ना जी, हम नहीं चाहवा हाँ, अगर हमारी वजह तक किसी एक दो बहन का घर बस जा है, एक दो भाई का घर बस जा है, तो इस तो बढ़िया बात हम कुछ नहीं मानते। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ यो है, ईव जो जिस राह हम चल रहे हैं दीपिका वाले मामले में, यहाँ पर भी भगवान की दया तो हमारा यूं है भाई, दीपिका का भगवान अगर चाहेगा तो इसका भी घर बसेगा, और आप लोगों के बीच में हम सारी की सारी वीडियो जो सबूतों के साथ रखते चलेंगे। और जितना भी छोरी के लाइन नए हो रहा है जो उसके माँ बाप की करनी है वह सब आप लोगों के समक्ष है, और अकेली दीपिका नहीं उसकी एक छोटी बेबे भी है, वह भी घर बिठा रखी है, बाबू ने और क्यों बिठा रखी है, वो सारी चीजें उनके हमने आप तो एक वीडियो में कही भी थी तीनों जगह जाकर हम तहकीकात करेंगे, हमने तीनों जगह जाकर तहकीकात करिए साथ में सबूत ले रहे हाँ वो आप लोगों के बीच में धराएंगे। तो घनी लंबी वीडियो ना खींचते हुए, अरे जी आज यो पहाड़ पर हम जुकरी न पकड़े हाँ उसकी गलिया, अगर भाई आप ते वीडियो पहुंचाने में बाकी हम लेट नहीं कराएंगे, आज की वीडियो आप दो रहे, कल की वीडियो मार दो पहले से तैयार है, और परसों की वीडियो में सारा का सारा खुलासा आप लोगों के बीच में। और फिर भी अगर कोई गलती सलती रहेगी हो तो कोई बात ना, थोड़ा बहुत रियाज कर लेने दो तो बताऊं, आगे भी वो आप थोड़ी बार पहले न्यू गाल देने लग जा तो हम यो रियाज यूं ही करा है कभी कोई हमने गाल ना दे, ठीक है। जिस तरह से आप ये अनु सोचा ना भाई किसी बहन भाई का घर बस जाए, अगर मारे बोलन तो मारे हिसाब किताब तक किसी का घर बस जाए तो बढ़िया था, हम न्यू चाया कर भाई मारिया लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में हम भी न्यू चाया कर भाई, हम अगर किसी का घर आ जाओ है ना तो अगर कोई हमारे से कोई चीज मांग ले तो वह चीज हम न्यू नाका जी मारा या चीज याद को ना, तो सिर्फ ये कारण है कि जी हमने ये रियाज भी बहुत जरूरी है, जो कर आपने की रिपोर्टिंग जरूरी है ना, दोनों चीजें हम साथ लेकर मैं न्यू निकलती भाई, मैं उससे पीछे हूँ उसमें भी अगर सर रहूंगी, और साथ में ये रियाज भी थोड़ा चल लेने दो कर खा लेने दो कि मैंने जुलम होता है। चलो जी हम तो जाओ हाजी पुराना मानो, और रही बात सारे बार भैया जो दीपिका वाला मामला है सिर्फ सोमवार सुबह 9 बजे तक इंतजार कर लो, उसके बाद जितनी गाड़ी दोगे जोड़ी भर भर के ले लेंगे, और जब गलती कहोगे तो गलती मान लेंगे, गलत ठीक मैडम जी है कति गलत है आपकी यह बात, क्योंकि ये गाड़ी को ना दे सोमवार तक का जितनी भी इनकी दो वीडियो जाओगे इन कहेंगे जी बहुत बढ़िया करे जी आपने, मेरा जहां तक मेरा विचार है तो वो मैं कह रहा हूँ, यही उम्मीद है हमने हमारे दर्शक तब, यही उम्मीद है हमारी सारी बाणा था सारे जितने भी दर्शक हमारे देखने वाले, यही उम्मीद है काम न्यू समाजी मारा हाथ तक कोई किते गलती ना हो, कोशिश में हाँ यही ठीक है भाई। देखो हम बोलते हैं ना जब इस तरह की बात लेकर बेबाक तो बोलना चाहगा मैडम जी, हमारी बात लेकर का है जब माँ बाप बड़का गिला न्यू कर दिया तो हमारा भी कौन है बस की बात रहती, उस टाइम हमने निबेरा के का के चला जावे है, अगर कोई बात आपने बुरी लगी हो तो उसके लिए हम माफी भी मांग लेवांगे, कोई दिक्कत वाली बात को ना अंतिस में, लेकिन फिर भी जब मांगेंगे जब आप दोनों सारे सबूत सारी वीडियो चली जाएगी गलती है ठीक है उसके बाद इसके लास्ट में हम ये इसका के नहीं छोड़ रहा, वो वीडियो भी आप लोगों के समक्ष रखेंगे बिल्कुल एंड होने के बाद, और जितने भी कमेंट आप लोगों कह रहे सारे कमेंट का जवाब देते हुए भी चलेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनावांगे इस मैटर को सुलझने के बाद। तो जी हम एक बहना बबली वर्मा जी जान है, विनोद जांगड़ा जी हमारे मतलब पुराने मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है बहुत की साल जानकारी है, और भाई जो नए कलाकार जुड़े हैं मैंने पहली बार इनकी पार्टी में देखे हैं, ये पूनम हुड्डा जी, एक दो बात पूछना चाहूंगा।
तो जी आप न्यू बताओ जी, अक आप मने नहीं नहीं देखी इस पार्टी में, आपने पहले सबसे पहले न्यू बताओ इस पार्टी में आगे कैसा लग रहा है? मन्ने जी इस पार्टी में जी साल भर हो गया जी। अच्छा, तो मैं लेट देखा फिर। हाँ जी, आप लेट पहुंचे हो। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपने इस पार्टी में आगे? बहुत अच्छा लग रहा जी। ये भी नहीं बता दो सीधी पादरी बात, मैं कहती सीधी सीधी पूछा करूँ, मतलब यू लाइन पकड़ ली तो फिर ये क्यों पकड़े विनोद जांगड़ा बोली और माँ ये ही क्यों, और भी ग्रुप तेरे हैं, हमारा पाछ रो लूंगा मैं, और भी ग्रुप तेरे मैडम, ये आपने ये क्यों पकड़े पूनम जी? हाँ जी बिल्कुल है, बहुत सारे ग्रुप है, पर विनोद जांगड़ा जी और बबली वर्मा जी की एक बात है जो बहुत अच्छी है, ये सांस्कृतिक सभ्य प्रोग्राम करते हैं, धार्मिक प्रोग्राम जिसने सारी दुनिया बैठ कर सुन सके है, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, पूरा परिवार बैठ कर सुन सके है। और आजकल अपने बेरा गणेशी कहने की जरूरत तो है नहीं, ना उड़ दंगबाजी माच रहा है, तो उन चीज़ों तय देखते हुए मैं विनोद जांगड़ा जी और बबली जी के पास आई हूँ, और मेरे जो हैं पिता समान मेरे अंकल जी नरेश जी, उनकी यह पर्सनली इच्छा थी कि जो सिखाना तो विनोद जांगड़ा जी तो ही सिखाना, और कहीं तो सीखना ही नहीं। चलो जी, आप रही भी हम लाइव दिखाऊंगे, मारे बड़ भाई लाइव देखेंगे, फिर ना कमेंट में बताऊंगा कौन सा किसा कलाकार है, तीनों कलाकार की लाइव दिखाऊंगा मैं भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी मैडम जी, मैं तो रेडी हूँ जी, मैंने कोई आप तो भी लाइव चल रहे चैनल पर, आप बताओ जी विनोद जी, ठीक है ना? हाँ बढ़िया जी, चलिए जी धन्यवाद। ना बस ये बड़ा।